पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट डन और ग्लव्स पहने, ये बांध दिया मैंने, ये बांध दिया ठीक से बंधा है ना। ठाकुर जी का नाम लेके चलते हैं हम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, लाज रखो गिरधारी, आयो शरण तिहारी। जय श्री राम। जम्मू जाने वाला रोड ये है ना कि ये, हाँ जम्मू सर अभी नीचे से हो जाए, यही रोड है हाईवे, वो वाला रोड है ना। तो भैया हमारा आज का सफ़र शुरू हो चुका है और बैग ने झटके मारना शुरू कर दिए। ब्रिज के ऊपर से नहीं जा रहे हैं हम, पठानकोट के शहर की गलियों में से जा रहे हैं। तो हमारा स्वागत किया है गंदे पानी की बात ने, बदबू ने। एक होती है खुशबू जो ज़िंदगी में बाहर लाती है, एक होती है बदबू जो ज़िंदगी तबाह कर देती है, साथ में नाक के सारे बाल जला देती है। तो हमें खुशबू के साथ रहना चाहिए, खुशबू बहुत अच्छी होती है और मेरे लिए तो होती होती है। प्यारी समझ गई। तो दोस्तों राइट 12 बजे हम यहाँ से निकल चुके हैं पठानकोट से। अभी पहली बार मैं इतना सामान लेके जा रहा हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि लोडिंग और अपलोडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, पूरे पसीने से नहा लेते हैं, नहाने की ज़रूरत ही नहीं होती भाई साहब, ट्रेवलर को वो पसीने से इतना नहा लेता है। लेकिन कहते हैं ना शौक बड़ी चीज़ है, तो शौक पूरे कर रहे हो तो भाई साहब कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। मैं अपना पठानकोट में RTCTR PCR चेक कराने गया था तो बंदों ने बोला कि हो जाएगा सर, 700 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि रिपोर्ट कब मिलेगी, बोला सर कल शाम को। अब कल शाम तक, मैंने कहा कल सुबह तक दे दीजिए, बोला नहीं कल सर पॉसिबल नहीं है, कल शाम तक ही हो पाएगा और हमसे जल्दी आपको पूरे पठानकोट में कोई नहीं देगा। उन्होंने कहा यार कल शाम तक में तो मेरे 2 दिन का होटल का भाड़ा लग जाएगा और 2 दिन तक मैं यहाँ पर करूँगा क्या। तो फिर भाई ने फैसला किया हम बिना RTCTR के जाएंगे, आगे जो भी होगा देखा जाए। तो यहाँ से हम रास्ता हमारा चेंज हो गया है, अब हमको इधर की तरफ से जाना पड़ेगा। गाड़ी में पेट्रोल फुल है, रात को करवा लिया था। एक तो मैं अकेला जा रहा हूँ, दूसरा पहली बार जा रहा हूँ, मुझे अकेले कम से कम ये ट्रिप नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा मुझे कल रात को फील हुआ कि मैंने बहुत 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 बड़ा पंगा ले लिया है ये लद्दाख ट्रिप सोलो राइड करने का, ये मेरे को बहुत कष्ट देने वाला है। और अभी तो इसका चार्जर भी लगवाऊंगा मैं जम्मू से या श्रीनगर से लगाता हूँ। रात को पठानकोट आया था, हल्की सी ठंड थी, अभी गर्मी हो गई वापस, लेकिन मौसम अच्छा है फिर भी यहाँ पे। लेकिन रोड मक्खन है भाई साहब, एकदम मक्खन, फर्स्ट क्लास रोड है। मेरे को लगा लखीमपुर आ गया। देखो दोस्तों सीनरी चेंज हो चुकी है, पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं सामने से। आहा 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 आहा, गजब। ये कहाँ पहुँच गए, ये देखिए सर इसी में ही है, पीछे है सर पीछे। हाँ जी सर, हाँ जी सर, जयपुर के सर, जयपुर के। अच्छा लगा जी सर, जाएं सर। तो हम आ गए हैं और मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी कोविड की रिपोर्ट नहीं मांगी गई, जबकि दूसरों से कोविड की रिपोर्ट मांगी जा रही थी। मुझसे लाइसेंस की कॉपी मांगी गई और अपन अचीवमेंट। आहा, ये भाई साहब आए हमारे महाराज से। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सबसे प्यारा सबसे ऊंचा तिरंगा हमारा। सिम मिल जाएगी क्या पहचान पत्र पे, मिल जाएगी एक। तो यहाँ से आपके भाई ने लिया है एयरटेल का प्रीपेड कनेक्शन, 450 रुपये का मिला है, क्योंकि मेरा ये दूसरे वाले फोन का बंद हो गया था, जियो का था, तो अपन को मेल वगैरह देखने के लिए कहीं इंटरनेट ना हो, फोन बंद हो जाए, एक दूसरा चालू रहे, इसके लिए एक कनेक्शन दे दिया। आप आओ तो पोस्टपेड लेके आना, पोस्टपेड चालू रहता है, यहाँ पे प्रीपेड बंद हो जाता। नज़ारे देखो भाई साहब, नज़ारे बदल गए अपने, सामने पहाड़ियाँ हरियाली। तो आपके भाई ने कर लिया है अपने भोजन, पनीर भुजी थी,
अच्छी थी, नंबर तेज था लेकिन चले गए, छोटी थी। और जो आपके भाई ने एयरटेल की सिम ली थी वो अनसक्सेसफुली हो गई, उसको वापस जाना पड़ रहा है मुझे अब 20 किलोमीटर उसी के पास में, तो चलते हैं उसी के पास। सिम कार्ड अपन ने चालू करवा लिया है, वो कुछ एरर आ गया था टेक्निकल, लेकिन इस सिम कार्ड की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है वापस से। मेरा कम से कम 1.5 घंटा ख़राब हो चुका है सिम कार्ड के चक्कर में। अब श्रीनगर का लक्ष्य था अपना आज का, और अब देखते हैं कि अपन कहाँ तक पहुँच सकते हैं या कहाँ तक पहुँचना चाहिए अपने को। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर सीधा रास्ता हो ना फिर तो आदमी पहुँच भी जाए, मैं पहुँच जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे गोल 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 घूम 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 के रास्ता आएगा सारा। तो जहाँ तक हम पहुँचेंगे फिर उसके बाद डेरा डाल देंगे अपना। कश्मीरी ग्लैमर एक्टिवा को बिल्कुल बीच में दौड़ा रही है, अगर यही इसको इधर साइड में चलानी चाहिए। जी भैया, ओहो ओहो, मुझे घूमना था भाई साहब, मुझे जाना था, मुझे पीछे वाला रास्ते पे जाना था भाई सीधा श्रीनगर। श्रीनगर सीधे जाना है क्या? तो ये मैप गलत क्यों बता रहा है यार, मैप के चक्कर सीधा ही जाना है, मैप ये रास्ता बता रहा है। तो हम जा रहे थे एकदम सही, ये मैप है ना यार, मज़े लेता है यार भाई साहब। तो यहाँ पे भी आपके भाई ने एक चाय थी और चाय अच्छी थी, थोड़ी देर का रेस्ट किया, अब निकलते हैं आगे। देखिए भाई साहब वादियाँ देखिए आप। तो मुस्कुराइए दोस्तों, आप जम्मू में आपका स्वागत करता है HK HR बंटी। ओले 704। तो आपके भाई ने सोचा था कि जम्मू के अंदर गर्मी कम मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जयपुर में ही हूँ, मैं इतनी गर्मी हो रही है। तो बल्कि पठानकोट में मौसम बढ़िया था, ठंड लग रही थी वहाँ, तो मेरे को पंखा बंद करके सोया हूँ मैं रात को भी। चल झूठा। जम्मू रेलवे स्टेशन कटरा श्रीनगर गेटर कैलाश कॉलोनी। तो हमारे को जाना है कटरा की तरफ सीधा, श्रीनगर 303 किलोमीटर। अब 78 किलोमीटर के बाद में घूमना है हमारे को, जब तक सीधा ही चलना है। हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, अपना रहन सहन होता है, लेकिन जम्मू में मेरे को बिल्कुल पंजाब जैसा ही माहौल लग रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा। लैंग्वेज भी वही है, पंजाबी बोल रहे हैं यहाँ भी सभी। तो आपका भाई ने यहाँ पे पी एक चाय, कहाँ गया कब ये रहा, तो आपके भाई ने पी ली एक चाय, इसको तो रखते हैं यहाँ पे, और अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट क्योंकि पिछवाड़े की हो गई है हालत ख़राब, फिर चलेंगे यहाँ से। सही बोल रहा हूँ मैं? और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एक ये मॉल भी है भाई साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है बंद है। पहली रेड लाइट आज सुबह की, और ये दूसरी बत्ती है हमारी। ये खूबसूरत नज़ारा अगर आप ना देखो ना तो ये वीडियो ब्लॉग ही बेकार है, फिर तो वीडियो ब्लॉग ही बेकार है भाई साहब। अभी आपके भाई ने करवाया था खुद का फ़ोटो सेशन, सेल्फी सेशन, नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी बकरियाँ। रोड देखो भाई साहब आप, सीधी नीची ऊँची और आगे पहाड़, वाह। इधर रोमांच चल लिया है, यहाँ से श्रीनगर है 259, बेनियाल 151, रामबान 118, पट्टी टॉप 102, उधमपुर 58 और कटरा 38, और हमारे को जाना राइट साइड। इतने सारे ट्रक लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्या है आगे मुझे नहीं पता भाई साहब। ये भाई साहब तो सो ही गए चटियाई बिछा के, ट्रक वालों को रोक रहे हैं, कार और बाइक वालों को जाने दे रहे। तो अंधेरी गुफा के अंदर ये कैमरा थोड़ा सा लेट चालू किया मैंने, यहाँ बैठे हैं वानर राज केसरी नंदन। देखो मतलब क्या 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 ही बोलोगे भाई साहब आप।
तो ये छोटी छोटी सुरंगें, ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे, एकदम चिल्ड हवा, एसी की जैसी। एक और टनल आ गई है, वाह। ये इतने सारे साइकिलों से कहाँ जा रहे हैं भाई। एक और टनल आ गई है, टनल पे टनल, टनल पे टनल। सही तो जा रहा हूँ ना मैं, कहीं गलत हो जा रहा हूँ मैं भाई? कई बार मैं गलत भी चला जाता हूँ, मैं हूँ ही बावला तो हूँ ही मैं। आपका भाई है तो बावला ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। शेर भगत जा रहे हैं माता वैष्णो के पैदल साइकिल से, श्रीनगर का यही है ना? हाँ, बिल्कुल सीधा सीधे है ना? ओके भाई, थैंक यू। अब आपका भाई यहाँ पे एक चाय। पहाड़ों को बादलों ने ढक रखा है, देखो उधर सामने। एक तो मेरे को यार एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तो ये जो श्रीनगर वाला रूट है, यहाँ पे लोग इतनी तेज़ी से बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, मेरे को ये समझ, इनको डर ही नहीं लग रहा, जबकि मैं हल्ले हल्ले चला रहा हूँ। ओवर स्पीड, मतलब जितने स्पीड से नॉर्मल अपन शहरों में नहीं चलाते ना, उससे भी ज़्यादा स्पीड में चल रही, जबकि ये तो इतना डेंजर एरिया है। मालूम नहीं क्या, डर नहीं लगता या आदत की बात है। ये अपनी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है ऑफ रोडिंग तो पहले से। ये रोड ख़राब चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ पे, धूली धूल हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपके भाई ने पी ली थी अभी एक चाय, और भाई की हो गई है आज हालत ख़राब। ऑल रोड वाया पटनीटॉप, पटनीटॉप आ गए, मैंने गाड़ी को घुमा लिया पटनीटॉप की तरफ, और आज डालेंगे यहीं पर डेरा। तो आज आपके भाई ने पूरे रास्ते बस यही अपनी धूल धूल कुटवाई है, ये देखो। हाँ हाँ, पूरे रास्ते पूरे रास्ते। मुझे लगा इस रास्ते पे तो नहीं रहेगा, लेकिन इधर भी वो ही चल लिया है। हम पटनी टॉप के टॉप के ऊपर आ गए हैं, पटनी टॉप यानी कि और ऊपर। ये देखो, ये सब बादल है, ये बादल है, ये कोई धुआं नहीं है। ये भी होटल है भैया, लेकिन अपन तो जाना ही नहीं है होटल के अंदर। और सर, इधर पटनी टॉप में घूमने के लिए क्या क्या है? पत्नीटॉप प्रॉपर पत्नीटॉप में, हाँ दो तीन जगह हैं।